सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान का ऑर्डर हो गया, भगवान ने स्वयं गीता में छोड़ दो सारे धर्म को। विद्वान आके बताएं क्यों 18वें स्कंद में लिख दिया भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्यम, छोड़ो छोड़ो सारे धर्म छोड़ो, मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि मैं भी जिंदा हूं, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, मैं जहां चलता हूं चलता फिरता धर्म हूं, मेरी शरण में आ जा, धर्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कोई पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ के आकर के किसी को क्षमा कर देगा। देश काल पात्र टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसके अनुसार निर्णय होता है युगानुकूल धर्म का। धर्म शाश्वत है, वही था वही है वही रहेगा, पर युग के अनुसार बदलते रहेंगे। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आ गई तो धर्म के इंप्लीमेंट कैसे होंगे, धर्म के वाक्यों को इंप्लीमेंट कहां करेंगे, इसमें बदलाव कौन बताएगा? वर्तमान महापुरुष ही बता सकते हैं, शास्त्र नहीं बता सकते। शास्त्र के चक्कर में तो तुम्हारे जैसे वेदक के चले गए महाजनों, एन गतः पंथा, घोड़े पे लेके चले जा रहे थे चार लोग गुड़ बाजार में, बोला महाजन मत का अर्थ होता है बनिया, ये बनिया गुड़ लेके चले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले गए। आपने भी सुना होगा वेद का वो सुंदर कथा। तो जब मौलिक चीज को आप नहीं जानते, मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म को जानना होगा तर्म धर्म का व्याख्यान होगा। इतना साधारण कथा नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस महावीर जब नाम सुनावे, खत्म हनुमान चालीसा, इतने ही में। ज्यादातर इसी से मतलब है लोगों को, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। पर प्रारंभ देखो, अतुलित बल धामम क्यों है, कल बताया, हनुमान जी क्रेजी हैं, क्रेजी। तुम्हारे तुम्हारे यंगस्टर्स जितने भी बैठे हो, किस लिए हैं? राम काज करवे को आतुर, आतुर माने क्रेजी, और हम काम काज करवे को आतुर। वो राम काज में आतुर है, क्रेजी हम काम काज में, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है, दुर्गति है। ये हनुमान चालीसा लिखाई गया मुगलों की बर्बरता के कारण, इसी से समझो जरा। गोस्वामी जी को बंधन किया गया होता फतेहपुर सिकरी में 40 दिनों तक, हनुमान चालीसा आई ना होती। इतिहास को समझना होगा, राम और कृष्ण कोई पुराण नहीं है, कोई माइथोलॉजी, मैंने कह दिया माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, माइथ मैंने पहले मिथ कह दिया, ये इंडियन नहीं है, ये हमारे स्वर्णिम इतिहास हैं, गोल्डन इतिहास हैं। राम हैं, थे, कृष्ण आए इस पृथ्वी पर हम लोगों को बताया कथा कहानी है, बस यही है। ये 2000 वर्ष से पूरा इतिहास चल रहा है, रोमिला थापर लिखेगी, तुम पढ़ोगे, कमाल है भाई। करोड़ों वर्ष के इतिहास हमारे पास है, 1,97,000,000 वर्ष का इतिहास है, और वो लिखित है इन्हीं शास्त्रों में। जब भारतीय नौजवान इस बात को समझेगा तो व्यापक परिवर्तन आएगा, नहीं तो धीरे धीरे सब दुकान बंद हो जाएंगे, ये सब खत्म।